यशोमति मैया के नंदलाला। लल्ला की देह तो दमक रही है, तो क्या मुझसे बात भी जेही कर रही है? जी मुझसे बात कर रही है? अरे क्या कर रही हो, सबको मत बताओ पूर्णा, ये केवल हम दोनों का रहस्य है, मेरा और तुम्हारा। ध्यान से देखो पूर्णा, पहचानो मुझे। दादी माँ देखो, ये सब देवता है ना? सारे देवता पधारे हैं। पूजा के लिए आए हैं। इसका अर्थ है कि तू सच्ची में? पूर्णा, मेरे रहस्य को गोपनीय रखना है तुम्हें। ये सच्ची में? ये सच्ची में क्या मौसी? हाँ पूर्णा मौसी, क्या हुआ? कोई चिंता की बात तो ना है ना? चिंता किस बात की, जब स्वयं नारायण ही? नहीं पूर्णा, मैया को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं श्री विष्णु का अवतार हूँ। क्या हुआ मौसी, कहना क्या चाहती हो आप? जे बात कर रहे हो आपसे? और जे सभी देवी देवता पधारे हैं, जे सबका क्या मतलब? हाँ तुम्हें मेरी भक्ति की सौगंध है पूर्णा, मैया यशोदा के लिए मुझे बस नंदलाला ही रहने दो। चुप क्यों हो गई मौसी, बताओ ना, अवश्य ही कोई विशेष बात है जो आप बता ना रही हो। हाँ बताओ मौसी, क्या हुआ? ना कुछ विशेष नहीं है सुधा, क्षण भर के लिए ऐसा लगा कि इसके देह में दिव्य तेज है, ये मुझसे कुछ कहना चाहते है। आंखें बूढ़ी हो गई है यशोदा, न जाने क्या देखती है क्या समझती है। धन्यवाद पूर्णा। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी ऐसा ही लगता है मौसी। अवश्य ही तेरे लल्ला पर भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा है, तभी तो शायद मुझे लगा कि सारे देवता यही कहीं आसपास है। मैं प्रभु भक्ति में लीन हो गई थी कि समझ ही नहीं आया कि सच क्या है और ब्रह्म क्या है। आप पुण्य आत्मा है मासी, आपकी जो गूढ़ बातें मेरे पल्ले तो ना पड़ती, पर इतना जानता हूं कि श्री नारायण की हम पर कृपा का साक्षात स्वरूप है जिलल्ला। किंतु अब मैं सब समझ गई हूँ, इस बालक के रूप में स्वयं नारायण ने अवतार लिया है, तो अवश्य ही उद्देश्य कुछ विशेष ही है। तो इस उद्देश्य से आप मेरे पास आए हैं महाराज, आप चाहते हैं
मैं आपके जीवन पर छाए इस ग्रहण को राहु बनके निगल जाऊं। किंतु वो विष्णु शिशु के रूप में कहीं छुपा हुआ है, इसलिए पिछले 10 दिनों में जितने भी बालकों ने जन्म लिया है उन सब का वध करना होगा। ये सब मैं आपके लिए क्यों करूं? तेरे लिए नहीं, अपने लिए करो। जितने अधिक शिशुओं को तुम ढूंढ पाओगी उतने अधिक शिशुओं को मार पाओगी। देखा मधुमंगल, लगभग सभी देवता आए थे यहाँ, बस एक उन्हें छोड़कर पता नहीं कहाँ रह गए वो। आहा, तो यहाँ है आप। क्यों गए शनिदेव? आइए ना शनिदेव। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। भीतर जाकर जब तक प्रभु श्री नारायण को जी भरकर देख नहीं लेता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। किंतु यदि मैंने उन्हें देख लिया तो मेरी वक्र दृष्टि उन पर पड़ जाएगी। कल्पना करो, छोटे छोटे नवजात शिशुओं के कोमल तन, तुम्हारे लिए स्वादिष्ट आनंददायक आहार। जिसे मेरा अंत करना था अब ये बनेगी उसका काल। आइए ना शनिदेव, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी। प्रभु पर अपनी वक्र दृष्टि डाल, उनके लिए किसी भी संकट को जन्म नहीं दे सकता मैं। वो अभी बाल स्वरूप में है, यदि कोई विपदा आ गई तो नहीं नहीं, मुझे उनके दर्शन किए बिना ही लौटना होगा। नन्हे नीलमणि के दर्शन करके मंत्रिप्त हो गए। सच कह रहे हो भाई, उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कम ही पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते चार पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। प्रभु के द्वार तक आकर बिना दर्शन किए वापस कैसे जाऊं, जो साधारण मानवों को सहज ही प्राप्त है, वो मेरे लिए इतना कठिन क्यों है। नहीं, मेरी वक्र दृष्टि के कारण आप पर कोई आपदा है या मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कीजिएगा नारायण। यशोदा, मैं भी निकलती। अच्छा जी। लल्ला, लल्ला, आजा, आजा, लल्ला, गोदी में आजा, 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 आजा। लल्ला, कस्तूरी मासी के पास आवेगो। नहीं, कस्तूरी मेरे पास आवेगो। मैं ही लूँगी। लल्ला, लल्ला, लल्ला। शांत हो जाओ सब। शांत, शांत। घर ना जानो है, हाँ? घर ना जानो है? तुम सब के कारण मेरे और मेरे लल्ला को तनिक भी समय ना मिलतो है साथ में। अतिथि भी चले गए, अब तो जाओ सब। जिंजी देखो हंस रहा है। आजा, गोदी में आएगा। अरे, मुझे देखा है मुझे। तुम सब के कान में बात ना जा रही मेरी, हाँ? अब इसे खिलाते रहोगे तो मेरे लल्ला का पेट दुखने लगेगो। बस करो सब। चलो।
ऐसी मधुर किलकारियां भरेंगे तो मैं स्वयं को कैसे रोक पाऊंगा प्रभु। परेशान कर दो है ना लल्ला, बहुत थक गए है ना। हाँ अब कोई परेशान ना करेगा, सब गए, अब तू भी सो जा। जैसे रोनी जी सुलाती है ना तेरे बड़े भैया को, वैसे ही सुलाऊंगी तुझे। ये हुई ना बात। मैया बहुत आनंद आ रहा है, पर मैं आंखें बंद करूं भी तो कैसे? शनिदेव कितने व्याकुल हैं मेरे दर्शन के लिए। ये क्या है लल्ला, मैं तुझे सुलाने के लिए झुला रही हूँ और तू है कि आंखें न चारो है। कहाँ देख रहे हो लल्ला, कौन है वहाँ? कौन है, कहाँ देख रहे हो? महाराज आप कौन और आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपका लल्ला। अच्छा लल्ला को देखने आए हो, अरे तू इतनी देर क्यों कर दी, जब सब आए थे तब क्यों ना आया? पहले कभी गोकुल में देखो ना है, कहां से हो आप? और सबसे पहले तो अपना नाम बता, सच्ची सच्ची बोलो। मैं शनि, शनि देव। अच्छा शनि देव, मैं चंडी माता। मैं आप एक तो चोरी चोरी झरोखे से झांक रहे थे, ऊपर से स्वयं को शनि देव बता रहे हो, है क्या समझते हो? तुम देवता के रूप में स्वांग रचाओगे और मैं तुम्हें सच्ची का देवता मान लूंगी। संपूर्ण जगत मुझे शनि देव के नाम से जानता है मैया, मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य कहने वाले ऐसे दृष्टि ना चुराते, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। आपको कैसे समझाऊं, मैं चाह कर भी आपके नेत्रों में नहीं देख सकता, अपनी वक्र दृष्टि से श्री हरि की मैया का अहित कैसे कर सकता हूँ मैं? अच्छा पहचान का छल सिद्ध हो गयो तो मौन हो गए, इससे पहले कि नंद महाराज को पता चले। चलो जाओ यहां से। आप बस एक बार अपने लल्ला के दर्शन करा दो मैया, फिर चला जाऊंगा। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैं शनि देव हूं। यदि जे सच बोल रहा होता तो मैं अवश्य इसे लल्ला से मिलवा देती, किंतु जे तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, अब तो इसे गोकुल का खट्टा मट्ठा करके ना पिलाओ तो मेरा भी नाम यशोदा ना। महाराज यदि आप सच्ची में सनी देव हैं, फिर तो मैं अपने लल्ला के दर्शन बिल्कुल ना करवाऊंगी। किंतु क्यों मैया? भूल गया, आपकी ही दृष्टि के कारण मैया पार्वती के लल्ला का शीश कट गया था, फिर हमारे डमरूधारी भोले भंडारी ने हाथी का शीश लगा के उनके प्राण बचाओ, और अच्छे भले हमारे गणेश जी गजानन बन गए।
वो भगवान है, उनके लिए ये सब करना संभव था, किंतु मैं तो साधारण मैया हूं महाराज। यदि आपने मेरे लल्ला को देख लो और उन्हें आपके वक्र दृष्टि लग गई तो ना ना आप ही बताओ ऐसे कैसे देखने दूं आपको अपने लल्ला को, है सनी देव? अब आप क्षमा करो मुझे। मैं अपनी दृष्टि, केवल 6 दिन का है मेरा लल्ला और जिस दिन प्रतिदिन के उत्सव से बहुत थक गए है, उसे सोने दो महाराज। लो कर लो बात, मैं तो जाग रहा हूँ मैया, मिलने दो ना शनि देव को, मेरा भी बहुत मन है उनके दर्शन करने का। जय राम जी की। ऐसे ढोंगियों से जितना बच के रहे लल्ला उतना ही अच्छा। हाँ, वैसे तो जे सच्ची के भी सनी देव होते ना तो भी ना मिलने देती मैं तुझे लल्ला। अरे स्वांग झूठा हो सकता है किंतु सनी देव की वक्र दृष्टि तो सच्ची होती है ना। हाँ हाँ, नहीं तो ये क्या किया मैया, कितना दुख हुआ होगा शनि देव को। हे नारायण, मैं तो आप ही का सेवक हूं, केवल आपके आदेश पर न्याय करता हूं और केवल पापियों को दंड देता हूं, जिसका जैसा कर्म उसका वैसा दंड। तो फिर सभी मुझे क्रूर क्यों समझते हैं, क्यों भयभीत होते हैं मेरी छाया तक से। देवी देवता ऋषि मुनि नर नारी गंधर्व यक्ष किन्नर सभी को आपके दर्शन प्राप्त हुए, तो फिर ये सौभाग्य मुझसे क्यों छीन लिया गया, क्यों? ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु, ये तो न्याय नहीं है ना प्रभु। उसकी मुस्कुराहट इतनी मनोहर थी कि जितना भी वर्णन करो कमी पड़ोगे। आंखें देखी, ऐसा आकर्षण है कि देखते देखते 4 पहर बीत जाए फिर भी मन ना भरेगो। सब आपके स्वरूप की कितनी प्रशंसा कर रहे थे प्रभु, कह रहे थे आपकी आंखें, आपकी मुस्कुराहट, आपका संपूर्ण रूप स्वरूप सब कुछ कितना सुंदर है। आपके चेहरे पर दिव्य आभा, अद्भुत तेज। तो आपने मुझे किस दोष का दंड दिया है प्रभु, क्यों मुझे अपनी छाया से वंचित रखा है। भूख लग रही है लल्ला को? हाँ, कि ठंड लग रही है, बहुत थकान होगा ना लल्ला। पीड़ा तो हो रही है मैया, पर थकान से नहीं शनि देव के कष्ट से। कथा रूप की बाल प्रभु के सुन के मन हर्षे, द्वार गए पर मिल ना पाए, ये तड़पे और तरसे। रोम रोम है पीड़ा में, व्यथित है न्यायपति, किस विधि दर्शन करूं हरि के, ये सोचे देव शनि। न्याय के देवता के साथ अन्याय नहीं होगा शनि देव, आपको मेरे दर्शन अवश्य मिलेंगे। ठंडे झोंके से नींद ना आ रही लल्ला को? हाँ, मैं अभी सारे झरोके बंद कर देती हूँ, ठीक है? फिर मैया तुझे लोरी गा के सुलाएगी, तो बहुत अच्छे से सोएगा मेरा लल्ला। अभी आई मैया। हाँ, हाँ?
आपके संकेत की प्रतीक्षा है प्रभु। एक बार आदेश कर दीजिए कि मेरे भाग्य में आपके शुभ दर्शन है ही नहीं। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। क्या मैं इतना भी योग्य नहीं प्रभु कि आप मुझे संकेत दें? संकेत के अभाव में ही संदेश छिपा है। आपके दर्शन करने की इच्छा मेरी कभी पूरी नहीं होगी। इसका अर्थ है कि मुझे ये हट छोड़कर लौट जाना चाहिए। लौट जाना चाहिए प्रभु, लौट जाना चाहिए। बिना मिले ही जा रहे हैं शनिदेव। अवश्य ही ये मेरा भ्रम होगा। लो कर लो बात, दर्शन देने मैं स्वयं आया हूँ तो आप मेरी पुकार अनसुनी करके जा रहे हैं। प्रभु, आपके दर्शनों के लिए कितना व्याकुल हूँ मैं। सामने कोकिला है लेकिन स्वर मुझे आपका सुनाई दे रहा। ऐसा इसलिए शनिदेव क्योंकि ये कोकिला माध्यम है, मुझे आपसे मिलाने में सहायक है ये कोकिला। प्रभु, प्रभु मैं धन्य हो गया। संपूर्ण जगत आपके दर्शन लेने आया किंतु आप मुझे दर्शन देने चले आए। प्रभु, आपने सच्चे हृदय से स्मरण किया था फिर कैसे ना आता मैं। जब भक्त ईश्वर को पूरी सच्चाई से पुकारता है तो उसकी पुकार बड़ी से बड़ी तपस्या से भी बड़ी होती है। मेरी तपस्या का फल इतने बड़े वरदान के रूप में मिलेगा इसकी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान को पवित्र कर दिया है शनिदेव। आज से जो भी मुझे हृदय में धारण कर यहाँ आएगा उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो फिर प्रभु, मेरा एक अंश यहाँ सदैव निवास करेगा, इसीलिए आज से ये स्थान कोकिलावन के रूप में जाना जाएगा। और मेरी वक्र दृष्टि से प्रभावित होकर जो व्यक्ति यहाँ पर आकर आपकी भक्ति करेगा वो विनाशकारी प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।